प्रेस वार्ता थी, क्या कुछ प्रमुख वजह है काशी में आप प्रेस वार्ता की? हाँ, तो आज इस मैं पूर्वांचल के प्रचार में मैं आया हूँ यहाँ। मतलब जो मछली शहर भदोही, ये दो लोकसभा सीटों पर आज योगी आदित्यनाथ जी की सभा है, वहाँ मैं आज जाने वाला हूँ। उसके साथ साथ कल मतलब लालगंज है, जौनपुर है, वहाँ भी मतलब प्रोग्राम रखे गए है, उसमें मैं जाने वाला हूँ। और बनारस की जो सीट है वाराणसी के माननीय नरेंद्र मोदी जी की है, यहाँ आज जो शाम को कुछ प्रोग्राम हो गए तो वो भी मैं अटेंड करने वाला हूँ। और यहाँ जो बीजेपी का ऑफिस है वहाँ भी मैं भेंट करने वाला हूँ। और कल सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी की जो जयंती है, तो इस जयंती के अवसर पर मैं खुद बुद्धिस्ट हूँ और सारनाथ में पहली बार मैं बुद्ध जयंती मनाने के लिए मैं इधर आया हूँ और मैं कल सुबह सारनाथ जाने वाला हूँ। तो इसी तरह मतलब जो पूर्वांचल की 35 सीटें है, 35 सीटों पर बीजेपी और एनडीए को आप चुनकर दीजिए, ये आह्वान करने के लिए मैं आज यहाँ वाराणसी आया हूँ। 5 चरण का मतदान, क्या माहौल दिख रहा है देश भर में? माहौल बहुत अच्छा है। जिस तरह 543 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है देश भर में, और इसके पहले बीजेपी साउथ इंडिया में उतनी स्ट्रांग नहीं थी, खाली कर्नाटक में ही बीजेपी की सीट ज्यादा चुनकर आती थी। लेकिन अभी इस वक्त मतलब साउथ इंडिया में पांडिचेरी में बीजेपी स्ट्रांग है, उसके बाद तमिलनाडु में भी मतलब पीएम के और कई छोटी मोटी पार्टियों के साथ उनका अलायंस हुआ है, एनडीए वहाँ अच्छी मतलब वहाँ सीटें मिलेगी। आंध्र में चंद्रबाबू नायडू जी के साथ अलायंस होने से जो 25 सीटें आंध्र की है उसमें काफी 20-22 सीटें चुनकर आने की संभावना है एनडीए की। और कर्नाटक में भी 18-20 से ऊपर सीट चुनकर आएगी। तेलंगाना में अभी बीजेपी की 4 सीटें है, अभी वहाँ 8-9-10 सीटें चुनकर आ सकती है। इसी तरह माहौल जो है बहुत अच्छा है और पूरे देश भर में 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया है, तो 400 पार हम जरूर करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। नाना पटोल उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए उनको रावण बताया है। जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 6 महीने में पीओके हमारा रावण योगी जी को रावण। मुझे लगता है नाना पटोले हमारे महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, कई साल वो बीजेपी में भी रहे है, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे है, लेकिन बीजेपी छोड़कर अभी कांग्रेस में जाए चले गए है। और योगी जी को रावण कहना ठीक नहीं है, मतलब इसी तरह के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। योगी जी तो मतलब राम भक्त है, योगी जी मोदी जी के भक्त भी है, और योगी आदित्यनाथ जी कर इसी तरह आरोप लगाना ठीक नहीं है, तो इस आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। सर, राहुल गांधी जो है महिलाओं के अकाउंट में खटाखट लाख रुपए पहुंचाने की बात कह रहे हैं, खटाखट बड़ा वायरल हो रहा है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो बोला है कि वह महिलाओं के खाते में खटाखट 1 लाख रुपए जमा होगी, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि 4 जून को ऐसा रिजल्ट आएगा कि मतलब लोग मोदी जी के नाम पर कमल पर पटापट बटन दबाएंगे और मोदी जी को भारी वोटों से चुनकर लाएंगे। तो राहुल गांधी के हाथ में सत्ता आने वाली नहीं है, तो ये खटाखट की क्या करेंगे? मतलब शिवराज जी कह रहे हैं कि पीओके फिर से आएगा, पीएम अगर दोबारा बनते हैं तो पीओके। शिवराज जी कह रहे हैं कि पीओके फिर से आएगा, भारत का हिस्सा होगा, अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो मोदी। तो मतलब जो पाक व्याप्त कश्मीर है, ये पाक व्याप्त कश्मीर पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है, वो कश्मीर का इलाका रहा है। लेकिन इसके पहले वो जो हरि सिंह राजा थे, जब देश को आजादी मिली थी तो हरि सिंह राजा के ताबे में जम्मू कश्मीर था, लेकिन अचानक पाकिस्तान ने आजादी यहाँ अनाउंस हुई और पाकिस्तान ने अचानक हमला करके कश्मीर का 1/3 पार्ट अपने ताबे में ले लिया है। तो इसके पहले जब 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन्होंने मतलब पीओके को अपने ताबे में लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
लेकिन भविष्य में जरूर, मैंने भी पार्लियामेंट में बहुत बार ये मांग की है कि एक दिन ऐसा आएगा कि पीओके मतलब भारत में आएगा, और आज वहाँ के लोग भी भारत के साथ आने के लिए उत्सुक है, और जरूर मतलब कुछ दिनों के बाद ही पीओके अपने कश्मीर में आएगा, भारत में आएगा। वैसे जी कह रहे हैं कि 10 साल की सरकार थी तब क्या क्यों नहीं, क्यों नहीं? वैसे जी कह रहे हैं 10 साल की सरकार थी तब क्यों नहीं लिया? नहीं, 10 साल में नहीं लिया क्योंकि एक एक काम हमको करना है, एक साथ सब काम नहीं होता है। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया है, और पाकिस्तान के साथ हम दुश्मनी करना नहीं चाहते। पाकिस्तान ने मतलब जो आतंकवादी एक्टिविटीज को मतलब रोकना चाहिए, और भारत के साथ दोस्ती करने के लिए उन्होंने तैयार होना चाहिए, तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी डेवलप हो सकती है, पाकिस्तान के लोगों को न्याय मिल सकता है। भारत के साथ झगड़ा करने से उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, और पाकिस्तान ने जब पाक व्याप्त कश्मीर को भारत के हवाले करके भारत के साथ दोस्ती करनी चाहिए। मायावती कह रही है कि दलितों को गुमराह नहीं होना चाहिए, भाजपा गुमराह कर रही है, इस पे क्या कहना चाहिए दलितों को? तो मायावती जी जो बोल रहे हैं कि भाई दलितों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल गुमराह नहीं किया जा रहा है बीजेपी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडिया आघाड़ी वाले भी दलितों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उनको सही रास्ते से आगे ले जाना चाहती है। दलितों का आर्थिक और सोशल जो मतलब उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उनसे बचाने के लिए बीजेपी और एनडीए की सरकार जो है ये अच्छा का काम कर रही है, और दलितों के लिए मतलब मेरे मंत्रालय का बजट 1,59,000 करोड़ का है, आदिवासी का ट्राइबल का बजट 1,33,000 करोड़ का है, तो टोटल बजट में मतलब हमको बहुत बड़ी राहत जो है माननीय मोदी जी ने दी है, और दलितों की आर्थिक उन्नति के लिए और शैक्षणिक उन्नति के लिए हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और मायावती जो आरोप कर रही है उसमें तथ्य नहीं है। दलितों को बीजेपी बिल्कुल गुमराह नहीं कर रही है, मायावती दलितों को गुमराह कर रही है, इसीलिए दलित उनको छोड़ रहे हैं और वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं।